उधर मीरा के लिए मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज छतों के लिए मंदिर बनवाए जा रहे हैं, कल महल बनवाए जाएंगे। विक्रम, मीरा और खोज अलग होने ही चाहिए। हम अपने गुरु से मूर्ति स्थापना करवाना चाहते हैं। आपके गुरु? आपके गुरु कौन है? संत रैदास। रैदास? उसमें इतना साहस कहाँ? साहस तो मीरा का है। तुम्हें बंदी बनाया जा सकता है। बहते पानी को छलनी से नहीं बांधा जाता। जाओ कह देना रैदास बहरा हो गया, बहरा। नहीं, अब मूर्ति स्थापना महन जी करेंगे। हम खुद जाएंगे संत रैदास को लाने। स्त्री नहीं, आंख की किरकिरी है वो। अब कौन जाने इतनी रात में कहां गई है। गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त से पहले मूर्ति स्थापना करनी होगी। सूर्यास्त के बाद का मुहूर्त नहीं है। तुमने मुझसे कहा होता मैं रैदास को बंदी बनाकर महल में दास बना लेता, लेकिन तुमने सबके सामने मेरा अपमान कर दिया। मूर्ति स्थापना के दिन अपनी कुटिया से तू बाहर नहीं जाएगा। प्रभु बुलाएंगे तो अवश्य जाऊंगा। जब तक गुरुदेव नहीं आते इस मंदिर में घंटानाद गूंजता रहेगा। रैदास, भाई रुक जाओ। आप जिन्हें तुच्छ समझते हैं वो हमारे लिए आदरणीय हैं। छोटे लोग बड़ों के लिए तुच्छ ही होते हैं। फिर तो आप भी तुच्छ हो गए। बड़े केवल प्रभु हैं, बाकी सब तुच्छ छोटे हैं। तुम्हारे आदर में भी आक्रोश है। पशु की भी पूंछ पर पैर पड़ता है तो वो बिलबिला उठता है। भाई साहब, आप तो एक मनुष्य की आत्मा पर चोट कर रहे हैं। आक्रोश ही जन्मेगा। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप बढ़िए और मूर्ति स्थापित कीजिए। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो रक्तपात होगा। आप बढ़िए। ठहरो। शंखनाद के स्थान पर तलवारों की झंकार, धर्मस्थल पर रक्तपात की बातें करते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? लज्जा तो उसे आनी चाहिए जो धर्म से खिलवाड़ कर रहा है। धर्म से खिलवाड़ तो आप कर रहे हैं। पशु पक्षियों को मारकर भेदभाव करके धर्म की रक्षा नहीं की जाती। इससे कहो कि शांत हो जाए। शांति चाहने वाले स्वयं शांत रहना सीखें। बहस करने से तो अच्छा है कि मूर्ति की स्थापना की जाए। तो रहीदास को यहां से जाने के लिए कहिए, सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। फिर आपको भी जाना पड़ेगा। नहीं, मांझी कहीं नहीं जाएंगे। मांझी जाएंगे तो मूर्ति की स्थापना कौन करेगा? क्या भगवान स्वयं उतर के आएगा अपनी मूर्ति स्थापित करने? हुकुम, मूर्ति की स्थापना हो गई है। क्या? समस्या का समाधान कर ही दिया गिरधर ने। कौन था ये बालक? भगवान। क्या बेसर पैर की बकवास कर रहे हो? कोई है जो कहे कि बच्चा भगवान का रूप नहीं होता? महाराज, क्या बच्चे को भगवान नहीं माना जाता? कोई झगड़ा नहीं चाहिए, आइए आरती प्रारंभ करते हैं। कुछ नहीं होगा, इन तलवारों का चिमटा बना लो। शेर मृदंग नहीं बजाया करते मासा। अरे काहे का शेर, अब छोटी जात वाले तुम्हारे सर पर बैठेंगे और तुम दरबान बने द्वार पर खड़े रहना। आप भी तो रानी से दासी बन जाएंगी। तुम्हारे जैसी संतान होगी तो यही होगा। आपने कौन सा मीरा का सर्वनाश कर लिया जो आप मुझ पर ताने कस रही हैं? क्यों मूर्खों की तरह एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हो? महन जी, ये उस मायावी मीरा से डर गई है। मीरा माया भी नहीं, महाचतुर है। वो माया भी नहीं होती तो रैदास गायब नहीं होता। वो बच्चा भूतों की तरह आकर नाटक नहीं करता। महन जी,
मीरा कोई जादू जानती है, ये तो निश्चित है। मीरा के हर जादू का तोड़ हमारे पास है। क्या? माँ ज्वाला। माँ ज्वाला? हाँ, माँ ज्वाला। अब माँ ज्वाला का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो महातांत्रिक है। उसका एक तंत्र मीरा के जादू के टुकड़े टुकड़े कर देगा। माँ ज्वाला के पास ही जाना होगा। और कुंवर विक्रम आए। प्रणाम देवी मां। रास्ता भूल गए मां? कष्ट होगा तो बालक माँ को ही याद करेगा ना। कांटों को भी कष्ट होता है जी। तुम तो कष्ट देते हो, तुम्हें कष्ट कैसा? कांटे की नोक को तोड़ दो तो चुभने की शक्ति कम हो जाती है। क्या हुआ? मीरा का नाम तो सुना है। मैं अपने शत्रु का नाम अच्छी तरह जानती हूँ। उसने मेरे सारे भक् छीन लिए, आज उसके कारण मेरा ये दरबार सूना है। एक साधारण स्त्री की इतनी प्रसिद्धि मुझे भी आश्चर्य में डाल देती है। वो साधारण स्त्री नहीं है, बहुत चमत्कारी है, मायावी है, जादू जानती है वो। क्या प्रमाण है? हर समय श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते रहना, क्या ये किसी सिद्धि की ओर संकेत नहीं? मुझसे बड़ी सिद्धि नहीं है उसके पास। तो आप उसकी शक्ति समाप्त क्यों नहीं कर देती? इतने उतावले क्यों हो रहे हो महंत? गरम गरम खाओगे तो जला देगी। मीरा जला देगी? भस्म हो जाएगी वो। उसका नाश करने के लिए मैं तंत्र और षड्यंत्र दोनों का इस्तेमाल करूंगी। महल में कौन कौन है? मासा, बाबा सा, भोज, पुरोहित विश्वा, उदय, मैं और मीरा। लेकिन विक्रम ने एक नाम छुपा लिया है। किसका? उदा का। बाल विधवा है लेकिन है बड़ी सुंदर। आपके तो पांव की धूल भी नहीं है। आपने तो रूप, यौवन, आयु सब पर अधिकार जमा लिया है। मुझे एक स्त्री की आवश्यकता है जो मन से निर्बल हो, जिसके ऊपर तंत्र शक्ति का प्रयोग हो सके। शायद उदा मेरे काम आ सकती है। जरा देखो तो।
कांटा दिखाई नहीं दिया? अंधेरा है ना, इसीलिए तो दिया बढ़ाया था। वो तो कुछ ही पलों का उजाला देता है। बढ़े हुए हाथ में जीवन भर प्रकाश देने का वचन भी तो था। एक बात कहूं, ये सफेद वस्त्र मत पहना करो। ये मेरा भाग्य है। भाग्य बदलने की कला मैं जानता हूं। कलाएं तो सारी सीख चुके हो सुमेर सिंह, और क्या चाहते हो मांगो। सबको एक समान देखना चाहता हूं। हमारे लिए सब एक समान हैं, हम किसी में अंतर नहीं मानते। तो फिर राजकुमारी उदास सफेद वस्त्रों में क्यों है? हम चाहते हैं कि काश कोई ऐसा मिले जो हमारी बेटी को सजा सके, संवार सके। बदल दिया ना भाग्य, अब तुम रिवाजों के लिए नहीं मेरे लिए जियोगी। चक्कर खा गया दिमाग, ये तो पूरी की पूरी नौटंकी है देवी मां। ऐसी नौटंकी से ही मेवाड़ के दृश्य पर पर्दा गिरेगा। देखो देखो निरंजन। जन्मदिन की बधाई हो बेटी। भूल जाइए मेरा जन्मदिन, शुभ नहीं है मेरा जन्मदिन। तुम्हारा जन्मदिन बहुत शुभ है बेटी, बहुत शुभ है तुम्हारा जन्मदिन। तुम्हारा जन्मदिन तो मेवाड़ के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, हमने विदेशी सत्ता को मेवाड़ की धरती से बाहर खदेड़ दिया था। बहुत शुभ है तुम्हारा जन्मदिन, सूर्य की भांति उजला। हाँ बाबा साहब, उस दिन आपके विजय होने तक सूर्य चमकता रहा, फिर ऐसी बदली छाई कि सूर्य का सुनहरापन स्याही में बदल गया। मैं अपशकुन की तरह महल पर ग्रहण बनकर जा गई। बेटी, तुमने कष्ट को नियमों में ढाल लिया है। हम समर्थ होते हुए भी कितने असमर्थ और असहाय हैं। जिसके जन्मदिन ने हमें विजयी बनाया, हम उसके भाग्य को पराजित ही छोड़ाए। क्यों हम इस दुर्भाग्य को जीत नहीं पाए? कौन है ऐसा जो इस दुख को सुख में बदल दे? महाराणा की जय हो। सुमेर सिंह, बधाई हो। रानी मां को भी बधाई हो। क्षमा चाहता हूं महाराज, लगता है गलत समय पर आ गया, बाद में आता हूं। बाबा साहब। कहो बेटी। मैं विजय पर्व का उत्सव देखना चाहती हूं। अवश्य बेटी, अवश्य।
रहेगा ये रात? अब कल इस अंगूठी का महत्व ही क्या रह जाएगा? क्या आज उससे मिलन नहीं होगा? परंतु मुझे जाना ही होगा। कैसे? ऐसा जन्म न हो किसी का। ऐसा नहीं कहते उदा, ऐसा नहीं कहते। तुम तिरस्कार नहीं हो, मेरा प्यार, मेरा संसार हो तुम। स्वयं को कभी भी हीन मत समझना। मेरे जाने के बाद इसे उतार देना। तुम्हारी उंगली में आने के लिए इतनी मचल उठी थी कि लोग लाज छोड़कर सबकी आंखों में आ गई। मीरा भाभी तुरंत समझ जाएंगी कि हमारा संबंध क्या है। समझने तो मैं नहीं डरती उनसे। नहीं उदा, बात डरने की नहीं है, हम इतने उतावले नहीं हो सकते कि महल के सम्मान को ही ठुकरा दे। सुमेर, तुम जब सीमा पर जाते हो तब तुम्हें मेरी याद आती है। ये पूछो कि याद कभी भूलती है क्या? सच कह रहे हो? उदा, तुमने धरती से उठने वाली जल की धारा को देखा है जो ऊपर बढ़ती है और बढ़ती चली जाती है आकाश की ओर, लेकिन बार बार लौट आती है धरती पर। मेरा शरीर भी सीमा की ओर बढ़ता रहता है, लेकिन मेरी आत्मा लौट आती है तुम्हारे आसपास। चलो, जागती आंखों से कोई स्वप्न देख ले रात बीतने से पहले। जिसके पास दैवी शक्ति है इसे समाप्त करना होगा। अब मुझे खेलने के लिए बहुत कौड़ियां मिल गई है। अब समझो मेवाड़ का चौसर बिखरने वाला है।